विश्वास वही रफ्तार नई। दुनिया भर में 1.5 साल से ज्यादा हो गए और कोरोना संकट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में भी कोरोना संकट में लागू लॉकडाउन में कई तरह की सख्ती दिखी। कोरोना संकट में लोगों ने लॉकडाउन, क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन, अनलॉक से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे टर्म सुने। ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को भी समझा। कोरोना संकट ने हमारी आदतों पर काफी बदलाव डाले हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में एक बच्ची सड़क किनारे लगे लैंप को सैनिटाइजर समझ रही है। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बेबी ग्राम नामक यूजर ने पोस्ट किया है। वीडियो में एक बच्ची दिख रही है। उस वीडियो में लिखा गया है कि बच्ची 2020 में पैदा हुई है और वो हर चीज को सैनिटाइजर समझ रही है। बच्ची दीवार से लेकर इलेक्ट्रिक सर्किट तक हर चीज को सैनिटाइजर समझ कर हाथों को सैनिटाइज कर रही है। बच्ची की क्यूट हरकत पर यूजर्स खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं। कोई उसकी हरकत पर खुश है तो कोई बच्ची की तारीफ कर रहा है। यह वीडियो कोरोना संकट में बच्चों की मनोदशा को बताने के लिए काफी है। कोरोना संकट में बच्चों को 1 साल से ज्यादा समय तक ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाई करनी पड़ी। अभी भी ऑनलाइन क्लासेज का सिलसिला जारी है। इससे कहीं ना कहीं खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को डिजिटल एज से जोड़ा जा रहा है। घरों में कैद बच्चों का अधिकांश वक्त या तो ऑनलाइन क्लासेज में गुजर रहा है या फिर वो टीवी देख रहे हैं या मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना संकट की दूसरी लहर के दौरान बच्चों और किशोरों में डिजिटल आई स्ट्रेन नामक बीमारी का खतरा बढ़ा है। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल डिजिटल आई स्ट्रेन को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। लंबे समय तक कंप्यूटर, टैबलेट, ई रीडर, स्मार्टफोन के यूज से आंखों की नमी घट जाती है। इससे तनाव, सिरदर्द, गर्दन और पीठ में दर्द, यहाँ तक कि कंधे में दर्द की शिकायत होती है। हालांकि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने आंखें रखने से परहेज करें और हेल्दी डाइट लें तो डिजिटल आई स्ट्रेन से बचा जा सकता है। अब बात वायरल वीडियो की, जिसमें एक बच्ची हर चीज को सैनिटाइजर समझ रही है। यह वीडियो क्यूट जरूर है पर कोरोना संकट में बच्चों की बदली मनोदशा को बताने के लिए भी काफी है और डिजिटल आई स्ट्रेन उसका ही एक नमूना भी है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।